इंस्टाग्राम बच्चों बच्चों, सबसे पहले तो हम आप सबको यह बताते हैं कि जो पिछले पाठ पढ़ाए गए हैं, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि, आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं, तथा आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देख भी रहे हैं या नहीं, तथा जो पिछले पढ़ाए गए पाठ हैं, चाहे हिंदी हो या हिंदी व्याकरण, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम तथा अब विशेषण, हिंदी में इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तथा लिखकर याद करना भी ज़रूरी है। आप सब वीडियो भी ध्यान से देखो, बुक का कार्य भी तरीके से समझकर नोटबुक में करो, समझो। कक्षा में पढ़ाने और वीडियो में पढ़ाने में काफ़ी अंतर है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। आप सब पढ़ाई से पीछे न रह जाएं, यह ज़रूरी भी है कि आप सबकी पढ़ाई जारी रहे। तो बच्चों, सर्वनाम के बाद अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ आठ। क्या है पाठ आठ? विशेषण। क्या विशेषण क्या पढ़ाया जाएगा? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, हमें कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले यहाँ पर जो पिक्चर में दिया गया है उसे ध्यान से देखो, और जो नीचे लिखा हुआ है उसे पढ़कर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि विशेषण में कौन से शब्द हैं, ठीक है। तो जो शब्द किसे कहते हैं विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम आप पीछे पढ़ चुके हो, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इस पिक्चर में आपको पिक्चर देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर एक लड़की है, एक कुत्ता भी है, पिंजरे के अंदर क्या है, तोता है। तो इस पिक्चर को देखकर आपको पता चल जाएगा कि जैसे उस लड़की का नाम क्या रखा है, अनन्या। अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है, ठीक है। तो उसके पास पालतू कुत्ता है, तो कुत्ता और पालतू, जो ये पालतू कुत्ता है तो कुत्ते की क्या बता रहा है, वो विशेषता बता रहा है। तो विशेषण किसे कहेंगे, पालतू, और कुत्ता क्या हुआ, विशेषता। तो अब हम चलते हैं, जो ये पैराग्राफ दिया गया है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अनन्या को पशु पक्षियों से बहुत लगाव है, उसके पास पालतू कुत्ता, चार मुर्गियाँ और एक तोता है। उसके कुत्ते का नाम टफी है, जिसका रंग भूरा है। तोता जालीदार पिंजरे में रहता है तथा हरी मिर्च खाता है। मुर्गियों के सिर पर लाल कलगी है, वह मुर्गियों को दाने तथा ताजी ताजी मटर खाने को देती है। अनन्या को देखते ही टफी अपनी रोईदार पूंछ हिलाने लगता है। उपरोक्त गद्यांश में रंगीन शब्द जैसे बहुत, पालतू, चार, एक, भूरा, जालीदार, हरी, लाल, ताजी ताजी और रोएदार संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कितना लगाव, कैसा कुत्ता,
तो बहुत लगाव क्या है, कितना लगाव का है, बहुत लगाव। कैसा कुत्ता है, पालतू कुत्ता। कितनी मुर्गियाँ, चार मुर्गियाँ। तो ये चार क्या है, विशेषण। मुर्गियाँ क्या है, विशेष्य। ठीक है, उसके बारे में मुर्गियों के बारे में बताया जा रहा है। कितने तोते, एक तोता। कैसा रंग, भूरा रंग। कैसा पिंजरा, जालीदार पिंजरा। कैसी मिर्च, हरी मिर्च। कैसी कलगी, लाल कलगी। कैसी मटर, ताजी ताजी मटर। कैसी पूंछ, रोईदार पूंछ। तो अब ये, अभी मैंने पहले भी पढ़ाया आपको कि विशेषण किसे कहते हैं। तो अब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि कैसा कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। ठीक है, तो कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है तो पालतू है या जंगली है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, विशेष्य। ठीक है, उसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द। ये जो विशेषण यहाँ पर लिखा गया है इसको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है तथा याद भी करना है। तो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाला शब्द, आया समझ में। और विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, आया समझ में। ठीक है, जैसे हरा, हरा क्या हुआ, विशेषण। और अमरूद क्या है, विशेष्य। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, अमरूद की। तो हरा अमरूद, ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर है ताजी सब्जियाँ, ताजी क्या है, विशेषण। सब्जियाँ क्या है, विशेष्य। ठीक है, और अब नीचे है विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद हैं चार, कितने भेद होते हैं, चार। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं ये आपको समझ में आ गया। गुण, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार। ठीक है, तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप तथा अवस्था के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, बगीचे में लाल फूल खिले हैं, बगीचे में लाल फूल खिले हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, बगीचे के। और क्या खिले हैं, लाल फूल। तो ये बगीचे की विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण क्या हुआ, लाल। जैसे कि हरी सब्जी या हरा अमरूद, तो हरा क्या है, विशेषण। हरा क्या था, विशेषण, और अमरूद क्या था, विशेष्य। तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अक्षिता बुद्धिमान लड़की है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, अक्षिता के बारे में। अक्षिता क्या है, संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द है अक्षिता, और बुद्धिमान क्या है, विशेषण। तो उसके बारे में बताया जा रहा है, लंबी छोटी बुद्धिमान, काला गोरा, ये क्या होते हैं, विशेषण। ठीक है, अब इन वाक्यों में लाल और बुद्धिमान शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो लाल और बुद्धिमान, तो इनके उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब है सेकंड नंबर संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
पेड़ पर तीन तोते बैठे हैं। कितने तोते बैठे हैं? तीन। तो संख्यावाचक ये क्या बता रहे हैं? तीन तोते। किसकी विशेषता बता रहे हैं? तोते की। तीन क्या हुआ? विशेषण। तोते क्या हुआ? विशेष्य। तो ये आपको समझ में आ रहा है, संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। आगे है, मैंने दुकानदार से कुछ फल लिए। कुछ तो वही कुछ मतलब 1 किलो लिया या 1 फल लिया या 2 लिए, तो ये भी क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। आया समझ में? अब इन वाक्यों में तीन और कुछ शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। आगे परिमाणवाचक विशेषण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल का पता चले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। क्या बोल रहे हैं? मुझे 2 मीटर कपड़ा दो या 1 मीटर कपड़ा दो, ठीक है, या 4 मीटर कपड़ा। तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा है, मुझे थोड़ा दूध दे दो। थोड़ा का मतलब है आधा लीटर भी हो सकता है या 1 लीटर भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ा दूध दे दो, ये भी परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। इन वाक्यों में 2 मीटर और थोड़ा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। अब है लास्ट, चौथा नंबर, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घड़ी सुंदर है, तो वह घड़ी सुंदर है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। वह क्या है? संज्ञा शब्द की जगह बोला जा रहा है वह, ठीक है। तो घड़ी सुंदर है। अब है, यह मेरा बस्ता है, तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वाक्यों में वह और यह शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं। तो इस तरह से आपको विशेषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से आपको विशेषण और विशेष्य के बारे में पता चलता है, तो इस तरह से आपको विशेषण और विशेष्य के में अंतर समझ में आ गया होगा। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण और विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो इस तरह से आपको विशेषण के बारे में पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, ठीक है। सही।